सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें ताकि रोटन गिटार्स ट्यूटोरियल्स की एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। हेलो गाइस, विनय राठौड़ दिस साइड फ्रॉम रोटन गिटार्स ट्यूटोरियल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एआर रहमान जी की म्यूजिक का बहुत ही तगड़ा सॉन्ग। अपने जमाने का एक धांसू रोमांटिक सॉन्ग रह चुका है ये, जरा तस्वीर से तो निकल के सामने फ्रॉम द मूवी परदेस। ओके गाइस, तो इस गाने को करते हैं बिल्कुल बच्चों वाली कॉर्ड से, आप इजीली बजा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ए माइनर, जी मेजर, सी मेजर और ई मेजर, ठीक है सर? चार कॉर्ड है, ए माइनर, जी मेजर, सी मेजर और ई मेजर। चारों कॉर्ड आप ओपन में भी बजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि मेरा एक सॉन्ग आने वाला है, मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं कि आप उस सॉन्ग को सुनेंगे और प्यार देंगे अपना। तो जैसे मैं रॉटन गिटार्स ट्यूटोरियल पे आपके सामने बैठा हुआ हूँ, ऐसा ही एक और चैनल है रॉटन गिटार्स, केवल ओनली रॉटन गिटार्स। उस चैनल को भी आप प्लीज टाइप करें और उस चैनल पे जाएं, मेरे सारे वीडियोस देखें वहां पर। और मेरा जल्दी एक सॉन्ग आने वाला है आजा सैया करके, जो कि 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे पर रिलीज होगा। तो आप प्लीज वहां पे जाइए, उसको चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पे भी हमसे जुड़िए। फेसबुक पे इतना मजा आता है, फेसबुक पे आप सभी लोग होंगे, फेसबुक पे जुड़िए, रॉटन गिटार्स टाइप करिए। स्ट्रमिंग बहुत सिंपल है, दोनों स्ट्रमिंग आप बजा सकते हैं जो मैं आज जनरली आपको सिखाता हूँ। डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ये स्ट्रमिंग भी आप बजा सकते हैं। या फिर जो दूसरी स्ट्रमिंग है, डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन, ठीक है जी? कोई सी भी रिदम आप बजा सकते हैं, दोनों रिदम पे ये सॉन्ग हो जाएगा। शुरू करते हैं गाने के साथ। किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, मेरी जान तेरे साथ होगी, मगर कब न जाने ये बरसात होगी। मेरा दिल है प्यासा, मेरा दिल अकेला, जरा तस्वीर से के सामने तकदीर मचल के सामने शायर तेरा, तू मेरी गजल है बड़ी बेकरारी, मुझे आजकल है बड़ी बेकरारी, मुझे आजकल है, मुझे आजकल सारा तस्वीर से निकल के सामने आ। गाइस, ये था सॉन्ग जरा तस्वीर से तू फ्रॉम द मूवी परदेस। तो गाइस, मैंने अपने पिछले सेशन सैटरडे को, मैं रात को 10 बजे लाइव गया था अपने चैनल से, जिसमें मैंने आपकी पर्सनल प्रॉब्लम, जो भी गिटार रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, मैंने आपकी सुनी और जितना उस 10 मिनट में कोशिश हो पाया मैंने आपको उसका सॉल्यूशन दिया। तो गाइस, अगली सैटरडे को मैं रात को 10 बजे ना होके 9 बजे आऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सके। इस समय 10 बजे थोड़ा लेट हो जाता है, तो आप उससे जुड़ें।